Hello friends, welcome to my channel Shape Up Your Life. Friends, जो मेरी previous video थी, वो एक motivational video थी, जिसमें हमने कुछ diet और exercise के बारे में चीजें discuss की थी. लेकिन आज जो मैं video आपके लिए लेके आई हूँ, वो 10 minutes workout video है. जो लोग exercise कर रहे हैं, उनके लिए भी और जो लोग जिन लोगों ने walk शुरू कर दी है, वो भी इस वर्कआउट को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपनी एक्सरसाइज को चेंज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जब हम रेगुलर टाइम तक एक ही तरह की एक्सरसाइज को करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उसे रूटीन वर्क की फॉर्म में अडेप्ट कर लेती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है. अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट मिलते रहें, तो टाइम टाइम पे अलग अलग एक्सरसाइज के साथ अपनी बॉडी को शॉक देते रहें, ताकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर हो जाए. तो जो वर्कआउट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये 10 मिनट्स का वर्कआउट है. आपको हर एक एक्सरसाइज दो बार करनी है, 15 सेकंड का ब्रेक लेते हुए. तो आप देखेंगे इस एक वर्कआउट को करने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे. तो ये स्टार्ट के लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट कीजिए. धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी और टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज को बढ़ाते रहे. तो चलिए शुरू करते हैं 10 मिनट्स वर्कआउट फॉर बिगिनर्स. तो स्टार्ट करेंगे हम वार्म अप से. वार्म अप किसी भी एक्सरसाइज से पहले इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको किसी तरह की कोई इंजरी ना हो. तो स्टार्ट करेंगे आर्म स्ट्रेट. फर्स्ट यू रोटेट क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. उसके बाद स्ट्रेच करेंगे आर्म्स. हैंड्स को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं, इस तरह से 5-5 टाइम ये करें. साइड स्ट्रेच, फाइव टाइम ईच. Touch the legs. ज्यादा ब्रॉड कर सकते हैं तो ज्यादा ब्रॉड करें. इस तरह से आप एक या दो मिनट अपना वार्म अप करें, देन स्टार्ट एक्सरसाइज. तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारी है स्क्वाट्स. स्क्वाट्स जो है वो एक लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारे थाइस के मसल टोन होते हैं. बहुत ही हेल्पफुल है, एक तरह का वार्म अप भी आप कह सकते हैं इसको. तो स्टार्ट करेंगे. जब भी आप स्क्वाट स्टार्ट करेंगे, तो आपने इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पैर हैं वो उतने ही खुले होने चाहिए जितने कि आपके शोल्डर ब्रॉड है. तो आप इस तरह बैठेंगे जैसे हम चेयर पर बैठते हैं, लाइक आपका जो थाई और लेग के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए. एक बात का और ख्याल रखें कि आपके जो नीज हैं वो आपके टोज से आगे नहीं जाने चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है. तो 15 टाइम हम स्क्वाट करेंगे. इस तरह से 15 टाइम स्क्वाट करने के बाद आप 15 सेकंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. दूसरी एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स. जंपिंग जैक्स करने के लिए पहले अपने पैरों को साथ जोड़े, और जैसे ही हम जंप के लिए रेडी होंगे, तो हम अपने आर्म्स और फीट दोनों को ओपन करें. ओके, लाइक दिस. अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाएं. 25 टाइम हमें जंपिंग जैक्स करना. जंपिंग जैक्स, देन यू कैन टेक 15 सेकंड ब्रेक. ये हमारे ब्रेथ रेट को हाई करती है,
और कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है। 15 सेकंड के ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हमारी है पुशअप्स। तो पुशअप क्योंकि हम बिगनर्स के लिए कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो आपको अपने नीज नीचे लगा के आप पुशअप्स कर सकते हैं। नीज आपके डाउन रहेंगे, आर्म्स इतना ब्रॉड, नीज से काफी आगे आर्म्स आ जाएंगे इतनी ब्रॉड। जैसे ही आपने चेस्ट और स्टमक को नीचे लेके जाएंगे, आपने स्ट्रेट वे नीचे लेके जाना है, दोनों को इकट्ठे, इनके दोनों इकट्ठे नीचे टच करने चाहिए और इकट्ठे ही ऊपर। देखिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो आपका पोस्चर गलत हो जाएगा। तो आपको इकट्ठे ही नीचे जाना है और इकट्ठे ही ऊपर। टेन पुशअप्स करने के बाद आप 15 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। जैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं सेम वैसे ही है, लेग के लिए बहुत अच्छी है, आपको स्ट्रेंथ देती है। ये वाला पोस्चर रहेगा बेंड डू लाइक दिस, ये ऐसे नहीं रहेगा ना ही नीचे, ये आप एक लेग आगे फिर दूसरी लेग आगे इस तरह स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे 50 माउंटेन क्लाइंब। स्टार्टिंग के लिए 50 है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 15 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वाइपर्स। वाइपर्स जो है आपकी लोअर अपडोमन की एक्सरसाइज है, आपके कोर को टाइट करता है और आपके साइड के फैट को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो स्टार्ट करेंगे वाइपर्स। आप इस तरह से लेट जाएंगे, आपके हाथ जो है वो आपकी बॉडी से इतनी दूरी पे होने चाहिए और लेग इस एंगल पे, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड 10 टाइम्स राइट साइड। कोर को टाइट रखें, आप ये एक्सरसाइज करेंगे करके देखें, इट इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है लंजेस। लंजेस हम खड़े होके करेंगे। लंजेस जो है वो हमारी लेग के लिए है, स्ट्रेच करेगी बॉडी को। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले हम राइट लेग आगे लेके जाएंगे इस तरह और लेफ्ट लेग डाउन जाएंगे, then back, again, back, 5 times each leg, 5 times with each leg, do it, 4, and 5, इस तरह से हम दूसरी leg से करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। तो गाइस ये बहुत ही कम बता रही हूं मैं आपको, 5 टाइम्स विद ईच लेग इज वेरी लेस। इसको हम अगले वर्कआउट में बढ़ाते रहेंगे। तो 15 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्लैंक। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो प्लैंक है। तो प्लैंक करने के लिए अपने कोर को आपने टाइट रखना है और आपका पूरा जो वेट है वो आपकी आर्म्स के ऊपर और लेग्स को आप स्ट्रेच करेंगे इस तरह से।
ये पोस्चर रहेगा, ये पोस्चर बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे अपनी बैक। 30 सेकेंड तक आपने इसी पोजीशन में रहना। तो 30 सेकेंड तक आप इसी पोजीशन पर रहेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद आप 30 सेकेंड का एक रेस्ट लेंगे इस तरह। इसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो गाइस टोटल मिला के आप देखेंगे तो ये वर्कआउट सिर्फ 10 मिनट्स का वर्कआउट है, जो आपके ब्रेथ रेट को भी हाई करेगा, आपकी स्ट्रेच आपकी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपके मसल्स को टोन करेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे मसल्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके मसल्स को स्टिफ करने में हेल्प करती हैं और आप हमेशा यंग बने रह सकते हैं। तो करते रहिए एक्सरसाइज, ये वर्कआउट जरूर करें, शुरू करें। जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो इसी वर्कआउट को 2-3 बार कर सकते हैं और अपने टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो पहले 10 मिनट से शुरू करें, देन 20 मिनट्स, फिर हम आगे के वर्कआउट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।